आई आई एम बैंगलोर ऑलमोस्ट फिफ्टी कोर्सेज फ्री में ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं एंड जब मैंने ये इंस्टाग्राम में शेयर किया था मेनी पीपल है द सेम क्वेश्चन दट फर्स्ट हाउ टू एनरोल एनरोन दीज प्रोग्राम एप्सलूटली फ्री एंड सेकेंड बिकॉज इतने सारे कोर्सेज हैं पीपल आर गेटिंग कन्फ्यूज दट एक्जैक्टली किस में एनरोल करना है विच विल हेल्प दम बिल्ड दियर प्रोफाइल सो so, इस वीडियो में एक्जैक्टली exactly मैं वही डिकॉर्ड करने वाला हूँ फर्स्ट आई विल लेट यू नो हाउ टू एनरोल इन दिस प्रोग्राम्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड सेकंड अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो या स्ट्रेटजी में इंटरेस्टेड हो या मार्केटिंग में हो एच में हो ऑपरेशन में हो किसी भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो सभी के लिए कोर्सेज प्रोवाइडेड है वहाँ पर एंड मैं आपके लिए वो हैंड पिक कर दूंगा कोर्सेज कि आपको कौन से डोमेन के लिए कौन से कोर्सेज करने चाहिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अगर आप गूगल में सिंपली जाके टाइप करोगे आई एम बांग्लो फ्री कोर्सेस तो आपके पास वो लिंक आ जाएंगे तो so, यहाँ आप दो लिंक देख सकते हो जो फर्स्ट लिंक है उसमें आपको एनरोल नहीं करना है बिकॉज अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो जो आई एम बैंगलोर के साथ जिनका टाइप हो देन उनके लिए ये कोर्सेज फ्री होते हैं हावेवर जो आपको लिंक में जाना है वो है सेकेंड लिंक दैट इज़ अ एडिक्स लिंक जो प्रोवाइडेड है सो so, अगर आप वो लिंक ओपन करोगे तो सारे कोर्सेज का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम सपोज मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चूज करता हूँ

take me to another screen from where it will show me two options first is either i can earn a certificate और सेकेंड इज आई कैन ईधर एक्सेस दिस कोर्स फॉर एब्सल्यूटली फ्री तो आप देख सकते हो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि अगर आप फ्री में एनरोल करते हो यू वुड नॉट गेट द सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स बट सर्टिफिकेट जरूरी है भी नहीं फॉर दीज ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप दिखा पाओ कि आपके पास नॉलेज है एक्सेप्ट ड्यूरिंग योर एम बी ए प्लेसमेंट्स आप जब भी ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो या फिर आप एम बी ए इंटरव्यूज में जा रहे हो बी स्कूल के इंटरव्यूज में जा रहे हो यू कैन वेरी वेल पुट इट ऑन योर सी बी इवन विदाउट द सर्टिफिकेट दैट यू हैव डन दिस कोर्स बट बी प्रिपेयर टू आंसर क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स इट्स सेल्फ बिकॉज नॉलेज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सर्टिफिकेट इट सेल्फ तो आप ये कोर्सेस फ्री में एक्सेस करो नथिंग लाइक दैट यू कैन सिम्पली प्रेस ऑन कंटिन्यू हि आप यहाँ देख सकते हो अर्नर सर्टिफिकेट में बहुत कुछ लिखा हुआ होगा स्टडीज शो दैट दर्स हु चूज दिस ऑप्शन आर मोर एंगेज एंड मोटिवेट टू कम्प्लीट देर कोर्सेस ऑब्वियसली आप अगर ट्वेल्थ थाउजेंड का कोर्स है अगर आप ट्वेल्थ थाउजेंड पे करोगे तो ऑब्वियसली यू विल भी मोटिवेटेड टू कंप्लीट दिस कोर्स मैंने आई एम ए पच्चीस लाख दिए देते तो यार बारह घंटे के आप चौबीस घंटे पढ़ा लो तो मैं भी वो भी पढ़ लेता सो so, ऑब्वियसली बट यू कैन डू दिस फॉर एब्सिलूटली फ्री एंड सर्टिफिकेट बाय किसको करना चाहिए आई कैन टेल यू दैट इज़ वेल अगर आपका वो कोई करियर पाथ डिटमाइंड है कि नहीं आपको फाइनेंस में ही जाना है एंड यू आर नॉट गेटिंग गुड ऑप्शन आउटसाइड यानी कि आपने कोई पर्टिकुलर कोर्सेज किए नहीं है फाइनेंस में एंड आपको फिर भी फाइनेंस इंडस्ट्री में जाना है देन आप फाइनेंस के कुछ कोर्सेज बाय कर सकते हो या फिर आप किसी भी डोमेन में मान लो मार्केटिंग में जाना है देन आप मार्केटिंग के वो कोर्सेस करके उनके सर्टिफिकेट बाय कर सकते हो विच काइंड ऑफ शोज एंड इंटरेस्ट टू द रिक्रूटर दट दो यू आर नॉट ट्रेंड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक बट आपने कोर्सेज किए ऑनलाइन एंड आपको नॉलेज है ओनली इन दैट यू कैन बाय द सर्टिफिकेट अदरवाइज जस्ट गो फॉर द फ्री ऑप्शन एंड देन आप देख सकते हो अगर मैं फ्री कोर्स में कंटिन्यू करता हूँ, देन इट विल ओपन स्क्रीन लाइक दिस एंड मैं सीधा यहां से स्टार्ट कर सकता हूँ कोर्स फॉर एक्जाम्पल ऑब्वियसली आप सिकवेंशली जाओगे बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड सिक्वेंशली बट आप देख सकते हो यहाँ पर सपोज मैं वीक वन से स्टार्ट करता हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डू द इंट्रोडक्शन एंड आई क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक वो यहाँ से अब लेक्चर्स के नोट्स एंड वीडियो जो भी मटीरियल होगा वो ओपन होने लग जाएगा एंड सीक्वेंशियली आप ये कोर्स कर सकते हो सो वेटी सिम्पल नथिंग लाइक दैट यू कैन सिम्पली क्लिक ऑन दिस दीज वीडियो ऑप्शन एंड वन बाई वन यू कैन डू ऑल द पर्टिकुलर लेसन दट आर प्रोवाइडेड हि बिकॉज ये फ्री कोर्स है देन ऑब्वियसली आप एग्जाम नहीं दे सकते एंड उसका सर्टिफिकेट तो आपको नहीं मिलेगा अगर आप एनरोल कर देते हो इस कोर्स में बाय पेइंग द प्राइज देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन एंड आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको so, आपको कि आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए यहाँ पर सो मैं डोमेन वाइज आपको कोर्सेज बता देता हूँ कि आपको कौन से डोमेन के लिए कौन से कोर्सेज करने चाहिए एंड स्टार्ट करते हैं फाइनेंस से तो आप फाइनेंस के लिए देख सकते हो यहाँ काफ़ी कोर्सेस जो फर्स्ट कोर्स है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वही फ़ाइनेंस का कोर्स है कॉर्पोरेट फाइनेंस कर सकते हो आप बट ये कोर्सेज़ आप तब करना जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता हो आई एम प्रिटी श्योर कि फाइनेंशियल कोर्स का एक कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोर्स नीचे रहेगा सो so आप वो कर लेना उसके बाद आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस कर सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस है सो यू कैन डू दिस पर्टिकुलर कोर्स फर्स्ट एंड उसके बाद आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लो उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस कर लो अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्पेसिफिक कोर्स रहेगा वो सबसे पहले कर लेंगे बट हम नीचे देखते हैं और भी कोर्सेज रहेंगे ड्योवेंचर यहाँ कोई फाइनेंस का कोर्स नहीं है अकाउंटिंग फॉर डिसीशन मेकिंग काइंड ऑफ फाइनेंस का कोर्स है बट नॉट नेसेसरी आप इसको अवॉइड कर सकते हो एंड इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट्स येस प्रॉबली यू कैन डू दिस पर्टिकुलर कोर्स मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसमें क्या है बट यू कैन कीप दिस कोर्स एज वेल फॉर दी एंड एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दिस वन पार्ट वन बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिस हैज टू बी आय फर्स्ट कोर्स अगर आप फाइनेंस में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है देन आप इस पर्टिकुलर कोर्स से शुरू करो देन वट हैोल्ड बिफोर दीज कोर्सेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस हो गया उसके बाद अकाउंटिंग फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया उसके बाद आप ये कोर्सेज कर लेना एंड उसके बाद आप करना आपका वैल्यूएशन का कोई कोर्स रहेगा देन वो कर लेना देन इट विल कवर एवरीथिंग वैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल वैल्यू बस आप ये वाला कोर्स कर लो उसके बाद एंड मे बी कॉर्पोरेट फाइनेंस तो कवर कर लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स ये एक कोर्स है तो आप इसको भी वैल्यूएशन के पहले कर सकते हो सो so ये सेकेंड लास्ट कोर्स हो सकते हैं लास्ट कोर्स आपका वैलुएशन होगा एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीट फाइनेंस आपका कवर हो जाएगा इन कोर्सेस से उसके बाद आते हैं मार्केटिंग कोर्सेज़ में मार्केटिंग में इतना सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कोर्सेज के बट येस yes, आप सबसे पहले ये कोर्स कर सकते हो विच इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपको फंडामेंटल नॉलेज आ जाएगा उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर सकते हो उसके बाद आप ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो ये दोनों कोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एसेंशियल दिस कोर्स एज वेल यू कैन डू बट बिकॉज आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लिया ऑलरेडी तो प्रॉब्ली आई डोंट नो द कॉन्टेंट बट मे बी इतना नेसेसरी नहीं हो ये कोर्स सो so, आप ब्रांड मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग कर लेना उसके बाद मार्केटिंग फंडामेंटल्स हो गए आपके उसके बाद सर्विसेज मार्केटिंग यस ये एक और कॉन्सेप्ट होता है तो आप एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कॉल दैट प्रोडक्ट मार्केटिंग एज वेल मार्केटिंग स्पेसिफिक सर्विसेज को कैसे मार्केट करना है व, व, वो पढ़ाया जाता है यहाँ पर कि आप सर्विस गैप कैसे मेजर करोगे एंड एवरी थिंग सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था जब मैंने पढ़ा था ये सो आई थिंक सेम कॉन्टेंट यहाँ बैंगलोर भी कवर करेगा सो यू कैन डू दिस एज वेल एंड यू कैन कीप दिस फॉर द एंड एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन है ये मार्केटिंग का कंज्यूमर बिहेवियर ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल इसके अंदर फिर बहुत सारे और टॉपिक्स आ जाते हैं न्यू रू मार्केटिंग से आप कैसे कंज्यूमर बिहेवियर देखोगे ऑब्जर्वेशन से कैसे कंज्यूमर बिहेवियर समझोगे एंड मनी थिंग्स सो ये कोर्स भी आप डेफिनेटली कर लेना एंड अपार्ट फ्रॉम दीज इफ आई सी एनी थिंग एल्स आई थिंक इट हैज़ कवर्ड एवरी थिंग नाउ इनोवेशन के कोर्सेज़ हैं जो जरूरी नहीं है मैनेजिंग इनोवेशन एंड रिटेल मैनेजमेंट इज़ अनदर वन बट ये भी एक बहुत स्पेसिफिक ब्रांच है आपको रिटेल आउटलेट्स जो है वो कैसे वर्क करता है एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स दो मे बी द ऑनलाइन रिटेल एज वेल दैट इज़ अमेजन फ्लिपकार्ट जो होता है वो ऑनलाइन रिटेल है एंड ऑफलाइन रिटेल भी कवर हो सकता है यू कैन सी द कॉन्टेंट ऑफ द कोर्स एंड अगर आप उन पर्टिकुलर डोमेन में या फिर उस पर्टिकुलर नीच में एंड उन पर्टिकुलर कंपनीज में इंटरेस्टेड हो देन आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो एंड आई थिंक दैट शुड कवर द एंटायर मार्केटिंग एज वेल इसके बाद आते हैं कंसल्टिंग डोमेन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए कंसल्टिंग के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेस नहीं होते हैं बट मोस्टली जो भी स्ट्रैटेजी कोर्स है वो तो आपको डेफिनेटली करना है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक्स ऑफ फाइनेंस मार्केटिंग आपको सबको जाना चाहिए तो so, आप अगर इन कोर्सेज को देखो देन सम ऑफ द कोर्सेज डेफिनेटली यू कैन डू इंक्लूड वन इज़ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू एंटर कंसल्टिंग सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो आप अब फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग भी कर लेना जस्ट इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो भी हेल्प करेगा आपको उसके बाद आप एडवांस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दिस एज वेल यू कैन डू आप आफ्टर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोर्स आप एडवांस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कर लेना एंड देन प्रॉब्ली सम इंटरनेशनल थिंग यू कैन डू एज वेल इंटरनेशनल स्ट्रेटजी पे अगर कोई कोर्स हो फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस आप कर सकते हो दिस विल ऑल्सो बी प्रेटी यूजफुल बिकॉज डेटा के साथ आपको डील करना है एंड इफ़ यू नो द बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस जरूरी नहीं है कि आप कोड करो बट एटलीस्ट आपको बेसिक एलगोर्डम एंड ये सब पता हो तो इट विल हेल्पेशन ऑफ डेटा साइंस एज वेल यू कैन डू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी ये भी आप डेफिनेटली कर लेना बिकॉज दिस विल ऑल्सो एक्सपोज यूडर लॉर ऑफ फ्रेमवर्कस दैट आर रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल बिजनेसिस सो दिस इज गोइंग टू हेल्प एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेटिस्टिक्स फॉर बिजनेस आप कर सकते हो बट आपने डेटा साइंस ऑलरेडी कर लिया है सो इट वुड हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड अपार्ट फ्राम दैट आई थिंक दैट इज इट ज्यादा कोर्सेज आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते फॉर कंसल्टिंग मे बी इनोवेशन एक और कोर्स है यहाँ पर जो देख रहा हूँ मैं मैनेजिंग इनोवेशन दिस इज एज वेल मे बी आपको कुछ फ्रेमवर्कस यहाँ पर भी सिखाए uh, जाएंगे विच कैन बी यूज फॉर कंसल्टिंग तो दिस एज वेल यू कैन डू पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज आर दोर्स द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर्स दैट वी जस्ट सो एंड दोर्स इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रैटजी कोर्सेज दैट वी सो उसके बाद आते हैं एच आर में अगर आप एच आर में इंटरेस्टेड हो देन आपके लिए भी कोर्सेज है यहाँ पर And uh, people management like is uh, one particular course that you can definitely do for HR. And apart from that, uh don't courses for HR. But let's see people management a course tha, after that uh, crafting this, this, this one you can do crafting realities, work, happiness and meaning. This probably is one course that you can do not very important, but uh, definitely you can do at least. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मुझे यहाँ पर कोई कोर्स नहीं दिख रहा है सो दैट दैट इज वॉट यू कुड हैव डन इन एच आर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑर्गेनाइजे यस ऑर्गनाइजेशनल डिजाइन दिस इज़ काइंड सिमिलर मे बी इट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट मे बी फ्रॉम ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर हो सकता है आप कॉन्टेंट देख सकते हो बट दिस इज डेफिनेटली अ कोर्स यू कैन डू फॉर एच आर ऑर्गनाइजेशनल डिज़ाइन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दो कोर्स हुआ एंड येस यू कैन डू दीज पर्टिकुलर कोर्सेस ए सेंस ऑफ लीडरशिप एक्सप्लोरेशन फ्रॉम लिटरेचर आप ये कोर्स कर सकते हो मैनेजेरियल एथिक्स आप ये कोर्स कर सकते हो इनफैक्ट यू कैन डू दिस कोर्स फॉर एनी लीडरशिप रोल एज वेल बट एच आर के लिए भी यू कैन डेफिनेटली डू दिस Uh, कुछ कोर्सेज मिसिंग है एच आर के लाइक कॉम्पनसेशन डिजाइन एंड दोज़ अगर होते तो शायद बेटर होता बट नन लेस आपके पास पीपल मैनेजमेंट का कोर्सेज है सो so भी आप काफ़ी कवर कर सकते हो एच आर के टॉपिक्स इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए यूजली ज़्यादा कोर्सेज नहीं होते इवन आई एम के ऑफलाइन सेटिंग में भी ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिकॉज इट्स अगेन एन एमालन ऑफ सो मेनी थिंग्स सो इसलिए आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर कोर्स है जो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई सी मोर कोर्सेज ये ये कोर्स मिस हो गया था आई थिंक फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्वान्टिटिव मार्केटिंग रिसर्च जब मैं मार्केटिंग के कोर्सेज बता रहा था आई थिंक आई डि नॉट कॉल आउट दिस कोर्स बट अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली डू दिस पर्टिकुलर कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वान्टिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च एज वेल सो एंड ऑबियसली अगिन ये आपको थोड़ा डेटा ओरिएटेड सिखाएगा एंड मार्केटिंग में भी आज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स आई थिंक यू शुड डू दिस कोर्स एंड अपार्ट फ्राम दैट प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल्स आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ये वाला कर सकते हो प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल सो बेसिकली जो भी होता है लाइक एमेजॉन एक प्लेटफॉर्म है ऊबर ओला ये सब एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली दो एंड ऑफ यूजर्स को कनेक्ट करती है एक साइड होता है कोई सपोज द कैब्स इन ऊबर एंड एक साइड होता है यूजर्स तो दो सार काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनका बिजनेस मॉडल होता है इतना ईजी नहीं होता है प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ लाइक टू पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स इन दैर प्लेटफॉर्म काफ़ी नेटवर्क इफेक्ट प्ले करता है इस पर सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ वेल एंड आई हैड ऑल्सो टेकन दिस ऑप्शनल कोर्स इन माई सेकंड ईयर तो आप डेफिनेटली ये वाला भी कर लेना प्रोडक्ट मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हो स्पेशली आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आप कर सकते हो सो टू पर्टिकुलर कोर्सेज आई थिंक फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट नॉट मच आप प्रॉबली मैंने जो इनोवेशन का कोर्स बताया था मैनेजिंग इनोवेशन यू कैन डू दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड इनोवेशन एंड आई टी मैनेजमेंट का मैं एक कोर्स देख रहा हूँ यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो बट अगेन मेन जो कोर्स है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द प्लेटफॉर्म बिजनेस ही था यहाँ पर उसके बाद फाइनली जो बचे हुए कुछ डोमेन्स हैं फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन उसके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक कोर्स है तो आप वो कर सकते हो उसके बाद अगर आप ऑन्ट्रप्रीनरशिप में इंटरेस्टेड हो देन प्रॉब्लली देर आर कोर्सेज फॉर यू एज वेल लाइक ऑन्ट्रप्रीनरशिप फॉर एवरी वन एंड कोर्सेज एंड आप बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज देखोगे तो इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर एम बी ए ग्रेड्स ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक्स में आपको जॉब ऐसे डोमेन आती नहीं है हमारे वहाँ पर बट यू विल बी रिक्वायरिंग इट अक्रॉस फॉर योर मार्केट्स फॉर यू अगर आप मार्केट शोल में जाते हो फाइनेंस में देन इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फाइनेंस में इन जनरल एज वेल अगर आप इकोनॉमिक्स जानते हो तो इट हेल्प्स तो आप इकोनॉमिक्स के कोर्सेज भी कर सकते हो एंड इन जनरल कंसल्टिंग में भी आपको बेसिक माइक्रो एनवायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डेटा में इंटरेस्टेड हो तो काफी सारे डेटा के कोर्सेज हैं यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है मैंने स्टेटिस्टिक्स फॉर बिजनेस देखा था एंड वो भी काफी अपना ही डोमेन बन चुका है अभी काफी लोग हायर होते हैं एज बिजनेस लाइक डेटा कंसल्टेंट्स भी एंड उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा ये कोर्सेज तो आप ये भी कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक डोमेन्स में भी कोर्सेज है यू कैन डू दैट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट अगर आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं ते हो आपके लिए भी कोर्स है बट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द डोमेन्स अगर मैंने कोई डोमेन मिस किया है देन प्लीज़ लेट मी नो इन आई विल ट्राई टू सर्च पर्टिकुलर पर्टिकुलर फॉर दैट डोमेन एंड गिव यू द लिस्ट ऑफ कोर्सेज दैट यू कैन अप्लाई फॉर सो ये थे आई एम बांगलो के कुछ फ्री कोर्सेज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू दैट बिकॉज आई विल कीप कमिंग अप विद मोस्ट सच यूजफुल वीडियोज स्पेशली अगर आप एम बी एसपुरंट हो या फिर जनरली इंटरेस्टेड हो अपस्किलिंग में देन यू विल फाइंड मेनी सच यूजफुल वीडियोज ऑन माई चैनल So this is it for this one. See you in the next video.